देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। महज 15 दिन में चारधाम यात्रा में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कुछ ही दिनों में दोगुनी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। अभी यात्रा व्यवस्थित हो चुकी है और आने वाले समय में किसी भी तरीके से चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बैठक की गई है। इसके आगे सीएम धामी ने कहा कि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन व्यवस्था अभी बंद की गई है, मात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही यात्रा में लोगों को आगे भेजा जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहां पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान हैं उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंद ही है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे।